अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ अबाउट माई मॉर्निंग रूटीन कि मैं मॉर्निंग में उठ के क्या क्या करता हूँ। जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, मैं सबसे पहले उठ के ब्रश करता हूँ और मुँह हाथ धो के फिर बाकी काम करता हूँ। और जो दूसरा काम मैं करता हूँ, जो कि मैं आजकल करता हूँ क्योंकि आजकल मैं फ्री हूँ, तो वो ये है कि मैं वॉक और जॉगिंग करने जाता हूँ। तो अभी मैं वो करने जा रहा हूँ और उसके बाद मेरा दोस्त शेरी मेरे पास आ रहा है। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने एक और दोस्त का प्लान किया कि हम कहीं बाहर खाने वगैरह पे, मे भी मूवी शूवी देखने हैं, कहीं हम बाहर जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ और अभी हम बाहर चलते हैं। भाई फ़िलहाल तो मेरा जॉगिंग का प्लान आई गेस कैंसिल हो गया, तो फ़िलहाल अब खाने का कुछ करते हैं और जॉगिंग रात को करेंगे, आई मीन शाम। तो भाई अभी मेरे साथ शेरी मौजूद है और हम चाय शाय पी रहे हैं और गेम सीन्स चल रहे हैं और शेरी फुल प्लानिंग के साथ है कि वैसे गेम जीत के जाएगा इंशाल्लाह। यार वो तो मेरे ख्याल है 9 बजे है जिना पार्क। भाई अभी 6:44 हो चुके हैं, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मूवी देखने का प्लान बना है और हम जा रहे हैं जी जिना पार्क। और जिना पार्क में मूवी देखेंगे आई गेस Day 1 करके कुछ नाम है, क्या नाम है भाई, अ क्वाइट प्लेस Day 1। तो ये हम देखने जा रहे हैं और ये लगी है गेस 9 बजे, तो बस अभी निकलते हैं। दिस इज माई फ्रेंड इजाज, वेरी गुड मैन। ये तो हम ब्लॉगर बन गए यार। अभी टाइम हो चुका है 9:46, ये आ चुके हैं मूवी देखने। कौन सी? अ क्वाइट प्लेस Day 1। लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी। आज का दिन इतना ही, आज बस अभी मूवी देख के आ चुके हैं। और कैसा रिव्यू था यार मूवी? मतलब ओके थी, और नाम के साथ साथ जैसे उसका नाम था वैसे ही बस मूवी भी थोड़ी खामोश थी, डायलॉग्स कम थे। और तू क्या कहेगा यार? मूवी बस एवरेज थी, शॉर्ट्स अच्छे लिए हुए थे लेकिन यू नो मतलब स्टोरी वाइज और ओवरऑल मतलब नॉट मच रिकमेंडेड, दैट्स ऑल।